काउंट करा 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये फिफ्थ पोजीशन है, 5, तो इसको मैं लिखूंगा 1 × 2 की पावर 5, ठीक है, 1 × 2 की पावर 5 ये हो गया, प्लस फिर अगला क्या है 1, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4, 1 × 2 की पावर 4, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है 0, 1, 2, 3, 4, तो ये फोर्थ पोजीशन पर भी 1 है ना, तो 1 × 2 की पावर 4, फिर ये 2 की पावर 3, तो प्लस 1 × 2 की पावर 3, प्लस 0 × 2 की पावर 2, प्लस 0 × 2 की पावर 2, प्लस 1 × 2 की पावर 1, और प्लस 1 × 2 की पावर 0, 1 × 2 की पावर 0, ये हो गया। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 2 की पावर 5 होता है 32, तो ये हो गया 32, प्लस उसके बाद 2 की पावर 4 होता है 16, 16 × 1 16, तो ये हो गया 16, प्लस फिर 2 की पावर 3 होता है 8, 8 × 1 8, प्लस 2 की पावर 2 होता है 4, 4 × 0 इज 0, प्लस 0, प्लस 2 की पावर 1 होता है 2, 2 × 1 हो गया 2, 2, ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 0 होता है 1, और 1 × 1 होता है अगेन 1, तो प्लस 1, सबको ऐड कर दो, 32 + 16 कितना हो जाएगा 48, 48 और 8 हो जाएगा 56, 56 और 3 59, 59, और ब्रैकेट लगाकर बाहर लिख दो 10, मतलब 10 का मतलब हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम, तो ये हो गया 59। इसी तरह से दूसरा इलस्ट्रेशन देखिएगा, इलस्ट्रेशन 2, कन्वर्ट 1011 कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1011.1011 इंटू आ डेसिमल नंबर, इस नंबर को आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, वन जीरो वन वन पॉइंट वन जीरो वन वन, है ना, तो ये मेरे को दे रखा है बाइनरी में, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट से इधर वाले जितने भी हैं इनको किस तरह से लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, तो 1 × 2 की पावर 3, प्लस 0 × 2 की पावर 2, प्लस 1 × 2 की पावर 1, प्लस 1 × 2 की पावर 0, फिर जैसे ये पॉइंट के बाद वाले हैं, तो पॉइंट के बाद वालों को हम इस तरह से लिखेंगे कि 2 की पावर 0 के बाद अगली उससे छोटी पावर क्या आएगी, 2 की पावर -1, तो प्लस 1 × 2 की पावर -1, 1 × 2 की पावर -1, प्लस 0 × 2 की पावर -2, प्लस 1 × 2 की पावर -3, प्लस 1 × 2 की पावर -4, ठीक है, तो ये यहां तक पहुंच गया। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 × 1 हो गया 8, प्लस 2 की पावर 2 होता है 4, 4 × 0 हो गया 0, प्लस 2 की पावर 1 होता है 2, 2 × 1 क्या हो गया 2, प्लस 2 की पावर 0 हो गया 1, 1 × 1 क्या हो गया 1, प्लस 2 की पावर -1 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो बेटा ये हो गया 1/2, ये हो गया 0, 2 की पावर -3 डिनोमिनेटर में जाकर 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/8, और ये हो गया 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 1/16। इसके बाद देखिए 8 + 2 10 + 1 11, प्लस 1/2 को मैं बोलता हूँ 0.5, 1/8 हो जाता है 0.125, और 1/16 हो जाता है 0.0625, ये कुछ वैल्यूज हैं जैसे हमको सीधे सीधे ही पता है, अगर मान लो 1 है तो 1 के ऊपर आपने 3 जीरो लगा दिए, नीचे 16 है,
ऐसे ही 16 को भी आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखोगे 16 सिक्स 96, 100 माइनस 96 कितना हो गया 4, 4 0 40, 16 2 32, 42, हाँ 40 माइनस 32 हो गया 8, 8 के आगे 0 लगाया, पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, 16 5 80, फिर 3 0 हैं तो इसको काट दिया और 1 2 और 1 0 और लगाया और इसको 3 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, तो 0.0625। अब इन सबको ऐड कर दो तो 11 प्लस, पहले पॉइंट वाले ऐड करो तो इधर 5 है, फिर चौथे प्लेस वाला, तीसरे प्लेस वाला कौन सा है, 2, 2 प्लस 5 हो गया 7, फिर पीछे से तीसरा प्लेस 6, तो पीछे से तीसरा प्लेस, एक मिनट कैसे सब करेंगे, 0.6875 होगा। हाँ, 0.5 है ना, तो इसको लिख देंगे 0.5000, और फिर ये हो गया सबसे लास्ट में इधर 5, 0 प्लस 5 5 और 2 7, फिर 0 प्लस 2 2 और 6 8 और फिर 5, 0.5875, ठीक है, तो सर इलेवन सिक्स पॉइंट एट सेवन फाइव अच्छा हाँ 516, ठीक है ठीक है, 11.6875 ये हो गया, और ये हमारा आ गया किसमें, ये आ गया डेसिमल में, तो यहाँ पर 10 लिख दिया, ठीक। ये तरीका हुआ एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का। उसके बाद अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इधर कर रहा हूँ, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, डेसिमल को बाइनरी में जो कन्वर्ट करना है उसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से ही समझ जाइएगा सीधा। इलस्ट्रेशन वन है, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 53 टू बाइनरी। फिफ्टी थ्री को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, आपको ना रिपीटेडली इसको 2 से डिवाइड करके चले जाना है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में करते थे ना सीधा, वैसे 2 से डिवाइड करोगे तो 226 से क्या हो गया, 52 हो गया, तो रिमाइंडर क्या आया, 1, 1 यहाँ पर लिख दिया, रिमाइंडर आ गया 1, 1 यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर इस तरफ में लिखूंगा बेटा रिमाइंडर, फिर 2 को किससे डिवाइड, मतलब 2 13 26 तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, 13 माइनस 12 होता है 1, तो रिमाइंडर 1 आ गया यहाँ लिख दिया, फिर 2 3 6, 2 3 6 तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो 0 आ गया, फिर 2 1 2 तो 3 माइनस 2 हो गया 1, तो रिमाइंडर 1 आ गया, फिर 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता तो क्या लिखूंगा, 2 0 0 तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1। तो अब नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिखते चले जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते चले जाना है, क्या हो जाएगा 53 जो कि डेसिमल में था नंबर उसको लिखेंगे 1 1 0 1 0 1, 1 1 0 1 0 1, और ये बाइनरी हो गया, बताइए क्लियर है, यस ठीक है, अगला देखते हैं यस सर। इलस्ट्रेशन 2। ओके
कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 201 टू बाइनरी। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 201 टू बाइनरी। डेसिमल नंबर है 201, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे। टू से डिवाइड करते जाइए, टू वन जा टू, टू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 आ जाएगा। तो 200 वन माइनस 200 कितना हो गया, रिमाइंडर वन। चलिए 250 जा 100 हो गया तो रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, जीरो। 225 जा 50 हो गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा तो जीरो। 212 जा 24 हो गया तो 24 हो गया, 25 माइनस 24 रिमाइंडर आया वन। 26 जा 12 हो गया तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, जीरो। इसको मैं इधर कर रहा हूँ आगे, ये 6 है तो 23 जा 6, 6 पर तो रिमाइंडर जीरो आया था, 6 पर रिमाइंडर जीरो आया था, इसको इधर लिख दिया मैंने। और 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 अगेन रिमाइंडर जीरो। 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 रिमाइंडर वन। और 2 0 जा 0 तो 1 माइनस 0 रिमाइंडर वन। नीचे से ऊपर की तरफ चलो, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, 1100 1001। यहां लिख दीजिए बाहर 2, तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। 1100 1001 ये हो गया। अब अगर मान लीजिए डेसिमल फ्रैक्शन दे रखा हो और डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा। डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इलस्ट्रेशन 3 देखिएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ये समझ लो कि जैसे हमने अभी देखा था ना कि यहां पर तो हम 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं, वहां पर 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, वहां पर 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन लिखे हैं। कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन 0.36 टू अ बाइनरी फ्रैक्शन। कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन 0.36 टू अ बाइनरी फ्रैक्शन। इसको बाइनरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जीरो पॉइंट थ्री सिक्स मैंने गलत लिखा, 0.35 है। अब देखिएगा इसमें क्या करना है,
हम ना बार 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 डिवाइड करते चले जाएंगे, जैसे 0.35 है इंटू टू करा, 0.35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.70। और यहां मैं लिखूंगा कैरी। कैरी क्या है कि डेसिमल के इधर भी क्या कोई वैल्यू आ रही है, तो जब 2 को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरी हमारा कुछ भी नहीं आ रहा, तो हमने लिखा उसको 0, मतलब इधर 0 आ रहा है तो उसको लिख दिया 0। फिर 0.70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0, ये हो गया 1.40 हो जाएगा बेटा ये, तो मैं इसको लिखूंगा 0.40। और कैरी जो है, कैरी कितना हो गया 1। मेरी बात समझ में आ गई यस हाँ? अब इसी तरीके से 0.40 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो पॉइंट फोर जीरो को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 0.80। अब कैरी कुछ भी नहीं आया हाँ, फिर 0.80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 1.60, तो मैं इसको लिखूंगा 0.60, तो कैरी हो गया 1। ठीक है, यस उसके बाद चलते जाओ आप आगे। अब 0.60 को फिर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 1.20 आ गया, मैं लिखूंगा 0.20, कैरी 1। फिर 0.20 को फिर से करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 0.40, तो कैरी आ गया 0। अब इसमें पता है क्या करते हैं, इसमें आप इसको जो है कोई 4 या 5 प्लेसेस तक इस तरह से डिवाइड करके छोड़ देंगे, कोई 4 या 5 प्लेसेस पर आप इस तरह से इसको डिवाइड करके छोड़ देंगे और इसको लिखेंगे जैसे 0.35 है। अब यहां पर जीरो पॉइंट 35 जो हमारा डेसिमल में था, इसको लिखेंगे 0 पॉइंट, ऊपर से नीचे लिखेंगे इसको 0 1 0 1 1 0 डॉट 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 ऐसे करके छोड़ देंगे और ये हो गया हमारा बाइनरी। ठीक है जी, बताइए इतना क्लियर है यस ना। इसमें ये प्रोसेस इसी तरीके से कंटिन्यू होता है, तो इसमें ना हम डॉट 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 करके ही छोड़ देते हैं। ठीक, तो आज ना आज मैं इतना ही करता हूँ और नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी ही लूंगा, कल तो नहीं, नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को रखूंगा। और एक और मेरी कोशिश है कि आने वाले कुछ दिनों में क्लासेस ना थोड़ी ज्यादा लूंगा मैं इसकी, अप्लाइड मैथ्स की, क्योंकि जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आपके 4 5 चैप्टर्स हो चुके हैं अप्लाइड वाले, तो मैं आने वाले दिनों में थोड़ी ज्यादा क्लासेस लूंगा और क्लासेस का टाइम जो है वो या तो ये वाला रखूंगा 9 से 10 वाला, और या फिर मैं रखूंगा 2 से 3 या 2 से 3.5 के बीच में, कोई भी 45 मिनट्स या 1 घंटा ऐसा कोई टाइम रख लूंगा। ठीक है, ओके सर, हाँ, तो मुझे लगता है ओके कि ये दोनों ही टाइम शायद कंफर्टेबल होंगे, कोई और क्लास तो नहीं होती ना इस दौरान। सर। नो सर, सर 4 to 6 होती है मेरी, बट वो आई थिंक ट्यूसडे को ही होती है, ट्यूसडे वो कोई बात नहीं, या सैटरडे संडे। हाँ, मैं या तो 4 से पहले पहले रखूंगा, मतलब मेरा ऐसा रहेगा कि या तो मैं 2 से 2 to 2:45 या तो ऐसा टाइम रखूंगा आपका, और या फिर ऐसा रखूंगा 2:45 to 3:30, मतलब मैं 3:30 से पहले पहले फिनिश कर दूंगा, 45 मिनट्स की ओके रखूंगा क्लास। सर, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली जब रेगुलर क्लासेस रहेंगी तो 45 मिनट्स की रहेंगी, और जब लगेगा कि नहीं सब्सटेंशियल अमाउंट हो गया है सिलेबस का, ऑल्टरनेट डेज में काम चल जाएगा, तो तब 1 1 घंटे की रख लेंगे ऑल्टरनेट डेज में, वैसे 45 मिनट्स की रखूंगा मैं। आने वाले कुछ दिनों में मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा लगातार करा दिया जाए। ठीक है, यस ओके सर, चलिए जी, ओके थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके।
ओके जी, गुड नाइट।